हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैमिली डेंटल क्लिनिक। आज हम कुछ अलग दिखाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक एज आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट अलाइनर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाउ डू अलाइनर वर्क्स एंड ऑल दिस थिंग। टुडे वी आर गोइंग टू शो यू दैट ऑन अ पेशेंट लाइफ दैट हाउ आर वी गोइंग टू फिक्स एन अलाइनर। बेसिकली वी स्टार्टेड दिस केस व्हेन द पेशेंट रिपोर्टेड टू मी। हर नेम इज करिश्मी रेखा। शी इज़ 28 ईयर्स ओल्ड एंड वो हमारे क्लिनिक में आई। उनको उन्होंने बोला कि हमें अलाइनर्स कराने का मन है। हमने उनका इंप्रेशन लिया, उनका फोटोग्राफ्स लिया और हम लोगों ने लेबोरेटरी में भेजा। उन्होंने बताया कि हम लोग इनके फोर टीथ एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद हम इस प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने इनका एक्सट्रैक्शन करा, कुछ अटैचमेंट्स लगाने थे वो लगा दिए और हमारे पास ऐसे सेट्स आ गए। दीज आर द सेट्स विच हैज़ कम टू अस, जिसमें आपके प्लास्टिक के ट्रेज होते हैं, पतले थिन प्लास्टिक ट्रेज which are very thin and transparent. They are not at all visible. They are very soft, flexible and comfortable to the mouth also. So once we started with this aligners, these are called as the aligners. So वो क्या करते हैं, वो हमें भेजते हैं sets. कैसे sets होते हैं? These are the first sets which we can use. Then the second, then the third, fourth, fifth. And many more such sets have been sent to us. और जो अटैचमेंट्स हम लोग लगाते हैं उसके लिए एक अलग से सेट दिया जाता है। दिस इज़ अ ट्रू फोर्स कंपनी विच वी आर कोलेबरेटेड टू मेक द अलाइनर्स। वी आर प्रोवाइडिंग अलाइनर्स टू दिस ओनली। नाउ देर आर अदर थिंग्स विच आर गिवन इन द एंटायर बॉक्स ऑफ दिस अलाइनर्स। वन इज़ एन मैनुअल फॉर द पेशेंट कि उनको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, वो मैं आपको बताऊँगा अभी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो वो देते हैं वो है, उसे कहते हैं ट्रीटमेंट स्टिम्युलेशन, जो कि इस पेशेंट के नाम के साथ लिखा हुआ है। एक कस्टमाइज बन के आता है जो हम जिसके बारे में मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। इसके साथ इन एक बॉक्स भी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने अलाइनर्स को जब भी आप बाहर रखते हो तो इसमें आप डाल करके उसे रख सकते हैं। वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ ऑल्सो। सो टॉकिंग अबाउट द मैनुअल विच इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग कि आपको कैसा मैनुअल, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं अलाइनर्स पहनने के बाद। इनके जो सेट्स आते हैं, इनके केस में हम लोगों को 26 सेट्स यूज़ करने हैं। तो आप अगर इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ फिफ्थ ऑफ 26। सो दीज आर 26 सेट्स विच हैज़ टू बी यूज। टोटल नंबर ऑफ सेट्स विच विल कम विल बी 26 इज नंबर, ये फिफ्थ है। तो इनको ईच सेट जो है हर 15 डेज में चेंज करना है। और जब भी ये सेट चेंज करेंगे तो मुझे एक वीडियो बना के व्हाट्सअप करेंगे, तो मैं उसे चेक करके बता सकता हूँ कि इनका फिटिंग ठीक है कि नहीं है। That is one way which we get to know that the child, whether the patient is comfortable with the aligners or not. If there is any problem with the fitting, the patient has to report to us immediately. So this is the manual. In the manual, it's very much clearly written that you have to wear the aligners for 22 hours. After every 15 days, you have to shift to the new sets. Okay? Then the other things which we written is that you cannot eat, drink or smoke with the aligners. ये तीनों चीज़ें नहीं कर सकते। आपको कोई भी दिन स्किप नहीं करना है इस अलाइनर्स को। ये रहा, यू मेंशन डेज में। देन यू हैव हाउ डू वी वेयर इट, उसके बारे में बताया गया। इसको पहन करके आपको पुश करना है तो इट विल गिव ए स्नैप फिट, दैट मीन्स दैट इट हैज़ फिटेड प्रॉपरली। देन हाउ डू वी रिमूव इट, वो हम पेशेंट को समझाएंगे कि आपको कैसे पहनना और कैसे निकालना है। क्लीनिंग के बारे में लिखा हुआ है कि सिर्फ आपको इसको वाटर से वॉश करना है, टूथपेस्ट वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और लिखा हुआ है, दैट इज़ लाइक नो पेन नो गेन। दैट मीन्स जब हम अलाइनर्स देते हैं तो शुरू के 3 दिन में आपको उस अलाइनर्स का फोर्स लग के थोड़ा मूवमेंट होता है, तो शुरू के 3 दिन आपको थोड़ा प्रेशर पेन रहता है। रेस्ट 12 डेज आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होने वाला। रेस्ट 12 डेज वो अलाइनर्स बस उसको होल्ड करके रखता है उसमें। सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्ट्स। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब आप पहला अलाइनर देते हैं तो उसमें कुछ फोर्स नहीं लगता है। जो फर्स्ट अलाइनर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, उसमें कुछ फोर्स नहीं लगता है। तो बस वो जस्ट सो दैट द पेशेंट गेट यूज टू द अलाइनर्स। नाउ द सेकेंड थिंग विच इज़ द अदर थिंग विच इज़ रिटन हियर इज़ दैट आई हैव लॉस्ट इट। देर कैन बी पॉसिबिलिटी कि आप अपने अलाइनर को खो दो, तो आपको इमीडिएटली यहाँ पे अगर आप इंप्रेशन दे दो तो आपको वो हम मंगवा के दे देते हैं अलाइनर वापस। ठीक है, एंड इफ़ यू नीड एनी रिमाइंडर फॉर द अलाइनर्स ऑल्सो यू कैन गेट इट वाया व्हाट्सअप। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर पार्ट नाउ। दिस इज द ट्रीटमेंट स्टिम्युलेशन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुकलेट दैट दे हैव मेड एंड सेंड इट टू अस। आप इसे ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। दिस इज अ ट्रीटमेंट स्टिम्युलेशन इन विच फर्स्ट द फोटोग्राफ्स ऑफ द पेशेंट्स हैज बीन पुट, कि अभी करंट पोजीशन क्या है इनका। ठीक है, देन व्हाट इज द ट्रीटमेंट मोडालिटी। तो इसमें लिखा हुआ है कि 4 टूथ का एक्सट्रैक्शन है फ्रॉम ईच पार्ट।
Extraction is not needed in all the cases. It can be needed in some of the cases. It might not be needed in some cases. There are 26 sets which are provided here, and the retainer has to be over for 6 months. Everything is mentioned here. We go to the next page. Now, where the attachment has to place, uska ek photo diya hua yahan pe. ठीक है, ये करंट पोजीशन है आफ्टर एक्सट्रैक्शन. दांत टेढ़े मेढ़े हैं, दांत बाहर है, यहाँ पे गैप है क्योंकि दांत निकाला गया है, और ये एक्सपेक्टेड पोजीशन है, उसका फोटो भी यहाँ पे इन्होंने बना के दिया है. दिस इज डन बाय दियर सॉफ्टवेयर. देन अगेन इन द करंट पोजीशन हियर एंड द एक्सपेक्टेड पोजीशन हियर. ये आपका फ्रंट में कैसे शुरू लगेगा और लास्ट में कैसे होगा फ्रंट वाला, वो दिया हुआ है करंट एंड एक्सपेक्टेड पोजीशन. सेम फ्रॉम द साइड ऑल्सो, हाउ इट विल स्टार्ट एंड हाउ इट विल एंड, करेक्ट. एंड देन देर इज एन इमरजेंसी नंबर ऑल्सो विच इज गिवन ऑन दैट फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू बी कॉन्टेक्टेड. सो अलाइनर्स बेसिकली आपके टूथ ब्रेसेस का एक ऑल्टरनेटिव है. अगर आप ब्रेसेस नहीं पहनना चाहते तो आप अलाइनर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. One more thing which I want to tell you is that many people call us, contact us over the phone that we need to know the price for aligners. So the thing is that it is very much impossible to tell the price for aligners over the phone. हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि जब तक हम आपका मेजरमेंट नहीं लेंगे, जब तक हम आपके फोटोग्राफ्स नहीं लेंगे, जब तक हम लैब में नहीं भेजेंगे, वी डोंट गेट टू नो द नंबर ऑफ द सेट्स, कितने सेट्स लगेंगे. तो जब हमें ये चीज़ ही नहीं पता चलेगा कितने सेट्स लगने वाले हैं, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू टेल यू द प्राइस फॉर द अलाइनर्स. This is the upper aligner which we are going to place, the first one. It's very simple, the attachment has been provided. It's snap fits, that snap sound comes, that means it is fitted properly. So it is not loose, it won't come out. This is the lower one. You have to press it from here, that sound comes and it is fitted, right? That's it.